नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। जेठ माह के तीसरे बड़े मंगल को राजधानी लखनऊ में जगह जगह सुंदरकांड पाठ के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसी क्रम में चारबाग रोड स्थित होटल सौभाग्य इन के सामने पूर्व MLC अरविंद त्रिपाठी उर्फ गुड्डू भैया के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पूर्व MLC अरविंद त्रिपाठी गुड्डू भैया द्वारा आयोजित बजरंग बली के भंडारे में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक पत्नी नम्रता पाठक के साथ शामिल हुए। सुंदरकांड पाठ के बाद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने संकट मोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना कर बजरंग बली के जयकारे के साथ भंडारे का शुभारंभ किया। भंडारे में शहर की कई बड़ी हस्तियों ने पहुँच कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर उदासीन अखाड़ा चौक के महंत धर्मेंद्र दास, भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, कैंट मंडल अध्यक्ष सचिन वैश्य, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हर्षवर्धन सहित BJP के कई कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण उपस्थित रहे और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस पावन अवसर पर क्षेत्र के हजारों लोगों ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और बजरंग बली के जयकारे लगाए। इस भंडारे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की खुशी में एक दूसरे को बधाइयां भी दी। मौके पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक एवं पूर्व MLC गुड्डू भैया ने अपने हाथों से क्षेत्रवासियों को भंडारे का प्रसाद वितरित किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजधानी लखनऊ में आज ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल है और शहर में जगह जगह भंडारे की धूम मची हुई है। लोग पूजा अर्चना सुंदर कांड पाठ करके भंडारे का आयोजन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसी क्रम में चारबाग के पास यहाँ पर पूर्व MLC गुड्डू त्रिपाठी द्वारा आज यहाँ पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी इस भंडारे का शुभारम्भ किया है। और इसी क्रम में आपके मंत्री जी की धर्मपत्नी जी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत देर से यहाँ पर रुकी हुई हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही है, भंडारे का प्रसाद इन्होंने अपने हाथों आम जनमानस को वितरित किया है। दीदी, क्या कहना चाहती हैं इस बड़े मंगल को लेकर? सबसे पहले तो हनुमान जी के चरणों में नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ। जिस तरीके से ये तीसरे बड़े मंगल में हमारे बड़े भैया गुड्डू भैया ने भव्य कार्यक्रम भंडारे का किया, जिसकी आकर के स्वयं पाठक जी ने यहाँ पे पूजा अर्चना किया, उसके बाद वो कैबिनेट चले गए, फिर हमारे हाथों से जो पूरे परिवार, मतलब मेरे साथ मेरे पूरे परिवार के साथ में जो उन्होंने भंडारे का प्रसाद वितरण किया है भव्य कार्यक्रम में, और ये हर साल इसी समय सब मंगलवार को बड़ा भव्य कार्यक्रम करते हैं, उनको मैं तहे दिल से बधाई धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी तरीके से ईश्वर की कृपा बनी रहे आप हम सब पे। इसी क्रम में गुड्डू भैया आज यहाँ मौजूद हैं और अपने हाथों से आम जनमानस को भंडारे का प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भैया, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश तो सर्वविदित है। आज भगवान बजरंगबली का दिन है, हम लोग जो है उनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, हमारे परिवार पे, जो इस भंडारे को कराने का सौभाग्य में प्राप्त होता है, ये उन्हीं की कृपा है। और बड़ा मंगल तो लखनऊ वाले बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं और बजरंगबली की कृपा है कि आज के दिन पूरे लखनऊ में कम से कम 10,000 भंडारे होते हैं और लखनऊ का एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है, कम से कम आज पूरा प्रसाद लेगा और कल की व्यवस्था भी तय कर लेगा, कल की व्यवस्था भी कर लेगा आज ही के उससे। तो ये बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत अच्छा काम है। समस्त लखनऊ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। जो भंडारे का आयोजन करने का और लोगों को प्रसाद ग्रहण करने का अवसर होता है, इससे नहीं चूकना चाहिए, निरंतर चलता रहे, भगवान से कृपा, भगवान की कृपा बनी रहे, बस। लेकिन देखा जाए, इस बार मंगल का भंडारा दोहरी खुशी लेकर आया है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और आप लोग भव्य भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान प्रभु राम की कृपा से और तीसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और ये भारत के इतिहास का भी बहुत बड़ा दिन है कि या तो नेहरू तीन बार बने थे या तीसरी बार माननीय मोदी जी बने हैं। ये भगवान प्रभु राम की कृपा है। अयोध्या में विराजमान जब से हुए हैं तब से पूरा
प्रदेश और देश समस्त उन्नति की ओर बढ़ रहा है। भगवान राम की कृपा है और मोदी जी का प्रयास है, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और बहुत ही सुचारू ढंग से। और आप मान के चलिए कि अब की बार जो पारी शुरू हुई है ये कुछ नया करेगी और अच्छा करेगी भारतवासियों के लिए। मैं यही कामना करता हूँ कि उनके किसी भी कार्य में कोई रुकावट ना आवे, वो इसी तरीके से भारत की सेवा करते रहें, देश के लोगों के प्रति जो उनका आकर्षण है और देश के लोगों का जो उनके लिए जो जान देने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा मोदी जी के लिए, ये उसी का परिणाम है। तो आप हैं अरविंद भैया, और आज इस अवसर पर ईश्वर से बजरंग बली से कामना कर रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार बनी है, मोदी जी ने इतिहास रचा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, उनके किसी भी काम में व्यवधान न उत्पन्न हो, जो भी देश हित में, समाज हित में, जनता के हित में जो भी निर्णय लिए जाए वो सही ढंग से हनुमान जी कृपा से फलीभूत हो, इसी कामना के साथ गुड्डू भैया हैं। और इसी के साथ और भी भारतीय जनता के वरिष्ठ जन हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आज इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं भैया। आज तीसरे मंगल पे आज हमारे आदरणीय गुड्डू भैया ने यहाँ पे प्रभु हनुमान जी का आज जो है भंडारा आयोजित किया है। जैसा कि हर साल आपके द्वारा ये भंडारा आयोजित किया जाता है, भैया के साथ आज लखनऊ की जन सामान्य के साथ हम लोग प्रसाद वितरण का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं आदरणीय गुड्डू भैया को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और हमारे डिप्टी CM साहब यहां पे आकर के इस भंडारे का शुभारंभ कर चुके हैं। और आज जो दिन है वो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत खुशी का दिन है। मैं लखनऊ वासियों के लिए ये कामना करता हूँ, प्रभु रामचंद्र जी, हनुमान जी हमारी लखनऊ पर ऐसे ही कृपा बरसाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि NDA की लगातार तीसरी जीत पर जो प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया, हमारे अभिभावक रक्षा मंत्री जी ने शानदार शपथ लिया, इसके उपलक्ष में हम सबके लोकप्रिय नेता श्री अरविंद त्रिपाठी, हम सबों के बड़े भाई गुड्डू भैया ने जो आज मंगल पर बड़े भंडारे का आयोजन किया है, तो हम लोग भगवान राम से, भगवान हनुमान से विनती करते हैं कि हमारे लोकप्रिय अभिभावक अरविंद त्रिपाठी जी को दिन दुना रात चौगुना बढ़ोतरी करते रहें। बड़े नेता का सपना हम लोग देख रहे हैं, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बड़े स्तर पर इनको कहीं ना कहीं पार्टी सुशोभित करें। जेठ माह का आज तीसरा बड़ा मंगल है और आज भव्य भंडारे का गुरु आयोजन किया गया है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, ये हमारे लखनऊ की बहुत प्रवाही परंपरा है, और इससे क्या होता है कि जो भी लोग हमारे इस मंगल में इसको प्रसाद मानते हैं, तो हमारे लखनऊ में लगभग 40-50% घरों में कोई उस दिन भोजन आदि नहीं बनते, सब प्रसाद लेकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं, अरविंद त्रिपाठी जी उर्फ गुड्डू भैया इनके यहाँ, ये 25 सालों से अनवरत इस स्थान पे, इससे पूर्व कहीं और भी लगाते रहे तो 25 सालों से निरंतर भंडारे चल रहे हैं। और यहाँ पर आप किसी का कोई रोक टोक नहीं है, लगभग 150 आइटम पूरे व्यवस्थित ढंग से, और अपने धार्मिक परंपरागत और अपनी विरासत के स्वरूप में यहाँ भोजन कराए जाते हैं। आप नगर में देखेंगे नेत्र कहीं लगा दिया, कोई पूछने वाला नहीं, खुद यहाँ पर बैठे अरविंद त्रिपाठी जी अपने हाथ से खुद प्रसाद खिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके भंडारे में शायद 4-5 स्थान ही हो जहाँ इतनी बड़ी मात्रा में साधु संत भी भोजन करते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरे लखनऊ वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को कि ऐसे भंडारे आयोजन करें, खिलाएं और सब साथ में रहें, खूब मंगल हो जाए, श्री राम। देखा जाता है कि इस भंडारे को सारे लखनऊ वासी जानते हैं और अलग आसपास के पड़ोस के जिलों में भी इस भंडारे की चर्चा रहती है, किंतु इस भंडारे का इतिहास, इस ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल का क्या इतिहास है राजधानी लखनऊ में, उससे लोग ज़्यादातर लोग अनभिज्ञ हैं? देखिए इतिहास की आप परंपरा में जाएंगे तो हमें पुराने लखनऊ में जाना पड़ेगा। हनुमान जी का, तुलसीदास जी का आगमन आप देख रहे हैं छाछी कुआं पे, वो प्रसिद्ध स्थान है, हम लोग वहाँ के ट्रस्टी रहे हैं 1951 से। इसके बाद हम लोगों के उदासीन परंपरा में आप आएंगे तो 1612 ईस्वी से साधु संतों ने मंगलवार के दिन ही लखनऊ में प्रवेश किया था, तो वो नैमिषारण्य से 88,000 ऋषि मुनियों का जहाँ तक तात्पर्य है। लेकिन ये मलिहाबाद आप देखें इतनी हरियाली क्यों है, तो इस जंगलों में ऋषि मुनियों ने तप किया है। नैमिषारण्य का क्षेत्र लखनऊ बारर तक लगता था, तो इन सभी लोगों ने गोमती की जो परिक्रमा की
और मंगलवार का जो पड़ाव हुआ था तो ये चार बड़े ज्येष्ठ मंगल उस दिन बड़े आयोजन गोमती के किनारे साधु संतों को भोजन कराया गया। क्योंकि लखनलाल जी का भी यहाँ से प्रादुर्भाव, तो उस समय से यहाँ पर हनुमान जी का ये व्यवस्था चला। लेकिन जब इसकी बढ़ोतरी हुई, जब गोस्वामी तुलसीदास जी नगर में आए और उस समय उदासीन परंपरा के ऋषि मुनि आए, तो ये पूरे जेठ, क्योंकि वो तापते थे अग्नि, अग्नि तापना एक जेठ में तपस्या होती है, ये लोगों को कम पता है। वो चारों तरफ अग्नि जलाई जाएगी, बीच में साधु महात्मा बैठेंगे, तो नगर के सेठ सेठिया वहाँ पर पास ही में भंडारे लंगर चलाते थे। उनका मानना था कि साधु संत तपस्या कर लें तो इसकी ऊर्जा आशीर्वाद हमें मिलेगी, क्यों साधु संत भोजन नहीं करते थे, तो उनका मतलब था पूरे नगर को भोज कराया जाए। इसी स्वरूप में हमारे इष्ट देवी देवता जो अप्रकट सिद्ध संत महापुरुष घूम रहे सूक्ष्म रूप में, वो आकर प्रसाद पाते हैं। तो इसका इतिहास ये है, और भी विस्तृत चर्चा बहुत हम लोगों के यहाँ ग्रंथ रखे हैं, आप पढ़ें सुने और अपना इतिहास जानें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग, क्षेत्र के लोग भव्य भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यह भव्य भंडारा पूर्व में से अरविंद त्रिपाठी गुड्डू भैया द्वारा आयोजित किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने इस भंडारे का आज शुभारंभ किया है। तब से सुबह से यह भंडारा निरंतर चल रहा है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। जेठ माह के हर मंगल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगता है कोई उत्सव है। आप जिस भी रोड पर जाएंगे आपको कतार में भंडारे ही भंडारे नजर आएंगे। यहाँ भंडारे में आपको पूरी सब्जी के अलावा सब कुछ वो मिलेगा जो आप सोच सकते हैं। यही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पहचान जेठ के बड़े मंगलों में। फिलहाल इस न्यूज़ आर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।